हाँ जी, तो वीवो Y12s बहुत ही प्यारा मॉडल, फैंटम ब्लैक कलर में वीवो ने निकाला है, और रीज़नेबल प्राइस में 18,000 18,500 में आपको ये मिल जाता है पाकिस्तानी प्राइस में, पाकिस्तानी मार्केट में। तो बहुत ही एक अच्छा मॉडल है, न्यू लुक के साथ है, डुअल कैमरा है बैक पे, और 13 मेगापिक्सल के साथ फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, और एक नाइस फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, और इसकी कलर स्क्रीन बहुत अच्छी है। मैं सैमसंग मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वीवो के मोबाइल की कलर स्क्रीन आई वुड सजेस्ट कि ये सैमसंग से बहुत अच्छी है, और इसमें हमें अल्ट्रा गेमिंग मोड मिलता है जो कि गेमर्स के लिए बहुत अच्छा है। अल्ट्रा गेमिंग मोड में क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, जब आप गेम प्ले करते हैं तो भी वो आपको एक बूस्ट देता है, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलती हैं जब आप अल्ट्रा गेमिंग मोड ऑन करके गेम प्ले करते हैं। तो मैं अभी आपके साथ इस मोबाइल की, वीवो के मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग भी करूँगा, उसमें आपको इजीली नज़र भी आएगा कि वो अल्ट्रा गेमिंग मोड में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं अभी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा वीवो के मोबाइल की, उसमें आपको क्लियरली नज़र भी आएगा, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी स्क्रीन। हाँ जी, तो ये वीडियो में इतने अच्छे कलर आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे कलर्स हैं, स्क्रीन है वीवो के मोबाइल की, मुझे बहुत पसंद आई है, सैमसंग से बहुत अच्छी है। अच्छा, ये अल्ट्रा गेमिंग मोड ऑन करते हैं तो हमें, जब हम गेम प्ले करते हैं तो ये क्या हमें फीचर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है कि ये जो CPU, RAM ऑप्टिमाइजेशन, टच ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, कि ये CPU को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, आपके जो CPU के रिसोर्सेज हैं, RAM के रिसोर्सेज हैं, वो आपकी गेम के में यूज़ करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गेम आपकी लैग ना करे, आपको कोई जो है इंटरप्ट ना हो किसी किस्म का। फ़ोन हार्ड नहीं, हार्ड कह रहा हूँ, फ़ोन आपका गर्म नहीं होगा, डिवाइस हीट अप नहीं करेगी, और अच्छा फीचर था ये गेमिंग के लिए। और दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या मिलती है कि ई स्पोर्ट्स मोड मिलता है हमें यहाँ पे, क्या सीन है इसमें, आपको ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, ई स्पोर्ट्स मोड आप अलग अलग ऑन भी कर सकते हैं, ब्लॉक नोटिफिकेशंस अलग अलग भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप ई स्पोर्ट्स मोड को क्लिक करेंगे तो सारा कुछ इनेबल हो जाएगा। उसमें क्या मिलेगा आपको कि अगर आपके कोई कॉल वगैरह आ रही है, नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वो ब्लॉक कर देगा, जैसे हम डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हम अपना मोबाइल का ऑन कर देते हैं, समथिंग लाइक डैट। तो अच्छा फीचर है ये भी, और इसके अलावा ये आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का एक फीचर ये देता है, प्रोवाइड करता है कि व्हाट्सएप अगर आपको मैसेजेस वगैरह आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एक छोटी सी विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप कर देगा, उसमें क्या करेंगे आपकी गेम डिस्टर्ब नहीं होगी, आप उसी स्क्रीन में छोटा सा एक पॉपअप होगा व्हाट्सएप का, उसी से अगर आपने रिप्लाई वगैरह करने वहीं से आप गेम के बीच में कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से डिवाइस बहुत अच्छी है, गेमिंग के लिए भी और नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छी डिवाइस है, अच्छा अच्छी लुक है, अच्छा अच्छा कलर्स के साथ, कैमरा भी इसका अच्छा है, और रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। तो चलें थोड़ी सी इसकी अब गेम प्ले भी देखते हैं कि क्या हमें गेम प्ले इसकी कैसी रहती है, मुझे उम्मीद तो बहुत अच्छी है कि गेम प्ले इसकी बहुत अच्छी होगी, सैमसंग से अच्छी होगी, मुझे मतलब यूज़ करने का मज़ा आ रहा है वीवो का। मैं A21s यूज़ करता हूँ, लेकिन जो कि मैंने लिया था वो 34,000 का था उस टाइम, लेकिन उससे बेटर मुझे लग रहा है वीवो का ये ऐसे 1850 18,500 का मोबाइल। 3 GB रैम है इसकी, और 1.8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वीवो Y12s में, मेरी सैमसंग की 4 GB है रैम है, और बाकी प्रोसेसर सेम है आई थिंक। तो थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम अपनी गेम्स की,
उसके बाद हम खेलते हैं गेम। मैं कुछ ज़्यादा सेटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं करूँगा, छेड़ूंगा नहीं। अच्छा, स्मूथ और मीडियम यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है ग्राफिक्स की, वो इसलिए मिल रही है मुझे, वरना स्मूथ और अल्ट्रा की भी मिलती है, HD की भी मिलती है। स्मूथ मीडियम की इसलिए मिल रही है क्योंकि जब मैंने गेम अपनी इंस्टॉल करने के बाद पहली बार प्ले की थी, तो हमें वहाँ पे ऑप्शन आती है हाई रिसोर्सेज की, लो रिसोर्सेज की डाउनलोड करने के। मैंने गेम के लो रिसोर्सेज डाउनलोड किए थे, इसलिए हमें स्मूथ और अल्ट्रा एचडी की ऑप्शन नहीं मिल रही स्मूथ के साथ और बाकी इस ग्राफिक्स में, वरना ये इस अल्ट्रा की और एचडी की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो गेम में ऑलरेडी होती हैं। जब हम डाउनलोड करते हैं, रिसोर्सेज हम पे डिपेंड करते हैं, हमने लाइट रिसोर्सेज डाउनलोड करने या हाई रिसोर्सेज। अच्छा, थोड़ी सी सेंसिटिविटी वगैरह इसकी सेट करके फिर हम गेम प्ले इसका स्टार्ट करते हैं। ये हमें गिफ्ट मिला है भाई पबजी की तरफ से, ये हमें जो हमारा सूट है और फर्स्ट टाइम प्ले करने के लिए। चलो भैया, बहुत डांस हो गया, अब गेम स्टार्ट करते हैं। मैं लिविक को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक छोटी सी गेम खेली जाए, लेकिन लिविक अभी डाउनलोड होने में टाइम लगा रहा है, तो जो है हमारे पास उसी को खेलते हैं, इरेंगल को खेलते हैं। बाकी यार, मैं वीवो की कलर स्क्रीन से बहुत इम्प्रेस हुआ, कलर स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी है। हुआवे और सैमसंग दोनों से बहुत अच्छी कलर्स की कलर स्क्रीन है इनकी। स्मूथली रन कर रही है अभी तक, तो कोई मुझे ऐसा इशू नहीं आया कि लैग कर रही हो गेम। हाँ, अगर थोड़ा बहुत हो भी सकता है तो वो पिंग की वजह से होगा, हो सकता है, क्योंकि पिंग अभी मेरी 44 है, बीच में हाई भी हो जाती है। चलें जी, अब आप गेम को देखें अपने, अगर आप लेना चाह रहे हैं मोबाइल आप गेमिंग के लिए, तो आप गेम देख लें, रिव्यू आप देख लें मेरा। मुझे तो ये मोबाइल गेमिंग के लिहाज से भी और नॉर्मल यूज़ के लिहाज से भी मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे अच्छा लगा, सैमसंग से अच्छा लगा मुझे। इसकी गेम के कलर्स भी ऑब्वियसली, क्योंकि मोबाइल के कलर स्क्रीन्स अच्छी हैं और गेम में भी बहुत अच्छे कलर्स मिल रहे हैं, सैमसंग से अच्छे कलर्स मिल रहे हैं। मुझे सैमसंग से कोई हेड नहीं है यार, मैं खुद पर्सनली सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो तो है। अब चलें, आप गेम को एंजॉय करें अब थोड़े म्यूज़िक के साथ, और अगर आपको रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।